हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। यूथ कंपटीशन आरआरबी 2022 टेस्ट गणित से हम साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट एसआई का क्वेश्चंस का सलूशन दे रहे हैं। क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 49 तक हमने पहले ही करा दिया है। क्वेश्चंस नंबर देखिए 50 आपका पूछा गया है आरआरबी जेई 29/5/2019 शिफ्ट 2 में। यदि किसी राशि पर 7.5% यानी कि 7.5% प्रति वार्षिक दर पर 15 महीना का साधारण ब्याज उतनी ही राशि पर 12.5% वार्षिक दर पर 8 महीने के साधारण ब्याज से 32.5 रुपया अधिक है, वह राशि ज्ञात कीजिए। 32.5 रुपया अधिक है, डेट मीन्स कहने का मतलब साधारण ब्याज का अंतर 32.5 रुपया दिया है, क्योंकि अधिक या कम का मतलब होता है अंतर। और यहाँ पर आपको प्रश्न से कैलकुलेट कर लेना है कि प्रतिशत में साधारण ब्याज का अंतर कितना हो रहा है। तो देखिए 7.5% की दर से 15 महीना का साधारण ब्याज कितना होगा, तो 7.5 × 15, लेकिन ये आपका 7.5% वार्षिक है, ये आपका 15 महीना है, तो 15 महीना को वर्ष में हमें कर लेना है, तो 15/12 इतना प्रतिशत आपका हो गया साधारण ब्याज। अब आगे लिखा है 12.5% वार्षिक दर पर 8 महीना का साधारण ब्याज, तो 12.5 × 8 और यहाँ पर 12.5 आपका परसेंट में दिया है जो वार्षिक में है, तो 8 महीना को भी वर्ष में कर लेना है, यानी कि 8/12 ये आपका प्रतिशत में हो गया साधारण ब्याज। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, तो डेसिमल हटाते हैं तो 75/10 हो जाएगा, यहाँ डेसिमल हटाते हैं तो 125/10 हो जाएगा। थोड़ा काट छाट कीजिए यानी कि सोल्व कीजिए, तो यहाँ पर देखिए 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15, 4 × 3 = 12 और ये 25 × 3 = 75। अब इसके बाद देखिए, अब तो कैंसिल नहीं होगा, तो 25 × 3 = 75/2 × 4 = 8, यानी कि 75/8% हो गया। यहाँ देखिए तो यहाँ पर से 5 × 2 = 10 और 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12 और ये 25 × 25 = 25 से, डेट मीन 25 × यहाँ पर 1 है तो 25 × 1 = 25/1 × 3 तो 3, 25/3% यहाँ पर हो गया। अब ये दोनों का अंतर, ये दोनों का अंतर कितना का हो रहा है, तो अंतर बराबर होता है बड़ा माइनस छोटा, यानी कि 75/8% में से 25/3% घटाना है, तो यहाँ पर एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 8 × 3 = 24 हो जाएगा और 75 × 3 = 225 में से 8 × 25 = 200 घटा देना है, 225 में से हम 200 घटा देंगे तो कितना होगा 25, यानी कि 25/24% आपका अंतर है। प्रतिशत में साधारण ब्याज का अंतर हो गया 25/24% और प्रश्न में दिया है एक्चुअल में कितना 32.5 रुपया, यानी कि 25/24% का वैल्यू कितना दिया है 32.5 रुपया, तो 1% का वैल्यू निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, तो 32/25/24 इतना हो जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सोल्व कर सकते हैं, तो ये वाला 24 ऊपर चला जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हम कर देंगे। और यहां पर आपसे मूलधन पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 100% का वैल्यू निकालना है, डेट मीन्स कहने का मतलब 32/25 और ये 24 पहले ऊपर हम कर देते हैं, और 100% का वैल्यू निकालना है तो गुना आपको 100 करना होगा, ये हमने कितना लिखा है 24। अब इसका सॉल्यूशन कीजिए, तो देखिए डेसिमल पहले हटाते हैं तो यहाँ पर बटा में 10 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल कर देते हैं। अब इसके बाद 5 × 5 = 25 और ये 5 × 2 = 10 और ये 5 से कैंसिल करते हैं, तो 5 × 6 = 30 फिर 5 × 5 = 25 यानी कि 65 × 24 × 2 आपको करना है। तो सबसे पहले 65 × 2 करते हैं, तो 65 × 2 = 130, 130 × 24 करना है आपको, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 130 × 24 कितना होगा, तो देखिए सबसे पहले तो एक हम ये 0 दे देते हैं और उसके बाद 13 × 4 = 52 बाकी 5, फिर 13 × 2 = 26 और 5 = 31 यानी कि कितना हो गया 3120 रुपया। ये कौन सा ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 51, क्वेश्चन नंबर देखिए 51 पूछा गया है आरआरबी जेई 30/5/2019 शिफ्ट 1 में। 7% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली गई कोई धनराशि पर 2 वर्ष में लगने वाला साधारण ब्याज 1750 रुपया की राशि पर 5% वार्षिक दर पर 4 वर्ष में लगने वाला राशि के समान है, वह राशि ज्ञात कीजिए। प्रश्न में साधारण ब्याज आपको समान दिया गया है और मूलधन पूछ रहा है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि मूलधन आपका पी है, मूलधन का कंपेयर हम 100 से करते हैं और प्रश्न में दिया है 7% दर और 2 वर्ष समय, तो 7% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 14% होगा, यानी कि ये आपका हो गया साधारण ब्याज। ये किसके बराबर है,
1750 रुपया की राशि पर, यानी कि मूलधन 1750 दिया है, तो 1750 का तुलना किससे करेंगे, 100 से। और आगे देखिए प्रश्न में लिखा है 5% की वार्षिक दर से 4 वर्ष में लगने वाला, यानी कि ब्याज कितना होगा, तो 5 के 20% हो जाएगा। यहाँ पर आपको 20 से गुना करना है। अब कैंसिल होता है तो कैंसिल करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए 7 × 14 और 50 × 100, उसके बाद यहाँ पर 50 × 100 ये कैंसिल कर सकते हैं, और ये 2 से 2 = 20। अब देखिए ये 7 से कैंसिल करेंगे तो कितना बार में होगा कैंसिल, 7 × 14, 3 और 5, 7 × 5 = 35, और ये 0, यानी कि 250 × 10। दैट मीन्स कहने का मतलब पी का मान कितना हो गया, तो 2500 रुपया। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, 51 का ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 52, ये पूछा गया है आरआरबी जेई 28/5/2019 Shift 2 में P1, P2, P3 को क्रमशः 4%, 6%, 8% पर इस प्रकार निवेश किया जाता है कि वर्ष के अंत में तीनों राशियों से प्राप्त साधारण ब्याज बराबर है। प्रश्न दिया है साधारण ब्याज बराबर है, यदि तीनों निवेशित राशियों का योग 2600 रुपया है तो क्रमशः P1, P2 और P3 का मान ज्ञात करें। आप जानते हैं कि जब साधारण ब्याज बराबर रहता है तो P1 अनुपात P2 अनुपात P3 क्या हो जाता है, तो 1/R1×T1 रेशियो 1/R2×T2 रेशियो 1/R3×T3। अब देखिए प्रश्न में दिया गया है रेट दिया है P1, P2, P3 का क्रमशः 4%, 6% और 8%, और टाइमिंग क्या है, तो यहाँ देखिए वर्ष के अंत में, मतलब समय आपका सभी के लिए एक वर्ष है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं देखिए 1/ यहाँ पर सबसे पहला रेट P1 के लिए दिया है 4%, तो 4 गुना और टाइम एक वर्ष, यानी कि 1, यानी कि आपका 4 × 1, तो 4%, इस तरह से समझिएगा। और उसी प्रकार से दूसरा रेट कितना दिया है, दूसरा रेट दिया गया है 6%, यानी कि 6 गुना टाइम 1 है। और उसी प्रकार से तीसरा रेट दिया गया है 8%, यानी कि 8 × 1। अब ये कैंसिल होता है तो इसको कैंसिल कर देते हैं, यानी कि 2 × 4, 3 × 6 और 4 × 8, तो ये कितना हो गया 1/2, 1/3, 1/4, 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होता है 12, तो ये 12 से गुना करेंगे 1/2 × 12, तो ये 6 हो जाएगा, 1/3 × 12, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 1/4 × 12, तो ये आपका 3 हो जाएगा। यानी कि P1 अनुपात P2 अनुपात P3 कितना हो गया 6:4:3, टोटल योगफल कितना है 6×4=10, 3×3=13। प्रश्न में कितना दिया है टोटल योगफल 2600, यानी कि 13 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है 2600, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 2600/13, यानी कि 1 रेशियो का वैल्यू हो गया आपका 200, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर जो P1 निकालना है तो 6 में आपको 200 से गुना करना है, तो 6 × 200 ये आपका 1200 रुपया क्या हो गया P1। अगर जो हमें P2 निकालना है तो 4 में भी 200 से गुना करना होगा, यानी कि 800 आपका ये हो गया P2। और P3 निकालना है तो 3 में भी 200 से गुना करना होगा, तो 3×2=600, यानी कि 1200, 800 और 600 कौन सा ऑप्शन है, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 53, क्वेश्चन नंबर देखिए 53 पूछा गया है आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 22 जनवरी 2019 Shift 2 में एक निश्चित धनराशि का 5 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया, यदि यह 10% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 2000 रुपया अधिक प्राप्त हुए होते, निवेश किया गया मूलधन क्या था। तो सबसे पहले प्रश्न में 2000 रुपया अधिक आपका ब्याज दिया है और 10% अधिक दर दिया है और 5 वर्ष समय दिया है, तो 50% अधिक आपका क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी कि 50% अधिक आपका साधारण ब्याज है, और यहाँ पर दिया है 2000 रुपया अधिक साधारण ब्याज है, यानी कि 50% का वैल्यू कितना दिया गया है आपके प्रश्न में 2000 रुपया। तो सबसे पहले 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, यानी कि 2000/ कितना करना होगा 50, तो सबसे पहले 1 0 से 1 0 कैंसिल और 40×5=200, 1% का वैल्यू हो गया 40 रुपया। प्रश्न में क्या पूछा है मूलधन क्या था, यानी कि मूलधन पूछ रहा है तो 100% का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, तो 1% का वैल्यू 40 रुपया, तो 100% का वैल्यू 40×100, दैट मीन्स कहने का मतलब 4000 रुपया। तो कौन सा ऑप्शन दिया गया है 53 का, देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 54, क्वेश्चन नंबर देखिए 54 पूछा गया है आरआरबी आरपीएफ एसआई 11 जनवरी 2019 Shift 3 में 6% साधारण ब्याज प्रति वर्ष पर 3.3/4 वर्षों के अंत पर एक राशि से
कुल राशि 2940 रुपया प्राप्त होती है। निवेश की गई राशि कितनी थी? प्राप्त होना का मतलब क्या होता है? मिश्रधन दिया गया है। कितना दिया गया है? 2940 रुपया। अमाउंट यानी कि मिश्रधन कितना दिया गया है आपके प्रश्न में? 2940 रुपया। ये आपका एक्चुअल वैल्यू हुआ, यानी कि निश्चित राशि हुआ। तो प्रतिशत में मिश्रधन कितना हो रहा है जो आपको निकालना है? तो सबसे पहले साधारण ब्याज प्रतिशत में कितना है वो निकाल लीजिए। तो साधारण ब्याज क्या होता है? ये आपका प्रतिशत साधारण ब्याज बराबर होता है रेट इंटू टाइम का परसेंटेज। तो 6% आपका रेट दिया है और टाइम कितना है? 3/3/4, यानी कि चर्तिया 12 और 3 15/4, ये आपका टाइम दिया गया है। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 4 और ये 3 × 6, यानी कि 15/45/2, तो 22.5%। 22.5% आपका हो गया SI, मतलब साधारण ब्याज प्रतिशत में हो गया 22.5%। और आप जानते हैं कि अमाउंट बराबर क्या होता है, यानी कि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन अपने आप में 100% होती है, यानी कि 100% प्लस साधारण ब्याज कितना है? 22.5%। तो अमाउंट पूरा कितना हो गया? 122.5%। अब देखिए प्रश्न में आपको 2940 रुपया दिया है, यानी कि 122.5% का वैल्यू दिया है 2940 रुपया। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2940/122.5%। हम लिख देते हैं यहां पर 122.5% का वैल्यू कितना दिया गया है? 2940 रुपया। तो 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, यानी कि 2940/122.5 हो जाएगा। आपसे मूलधन पूछा है तो मूलधन का मतलब होता है कि 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? 2940/122.5 × 100। अब इसका सिर्फ सॉल्यूशन करना है, तो अगर जो हम शॉर्टकट बनाते तो डायरेक्ट ये वाला लिखते और आपका आंसर आ जाता कैलकुलेशन करने के बाद। तो इसको हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं, कितना लिखा गया है? 2940/122.5 × 100। तो पहले डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ पर एक जीरो और हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसको 5 से कैंसिल करते हैं, तो 5 × 2 = 10, फिर 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25। इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 251,000 होता है, और 5 से कैंसिल करेंगे तो कितना? 5 × 4 = 20, फिर 5 × 9 = 45, और ये 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 × 4 = 20, और ये 0 = 40 × 5 = 200 होता है। अब देखिए ये 49 है तो 49 7 से कैंसिल हो जाता है, तो 7 × 7 = 49, और इसको 7 से कैंसिल करते हैं तो 7 × 4 = 28, फिर 1 और 4 = 7 × 2 = 14, और ये 0, फिर 7 × 6 = 42, यानी कि 60 × 40। 60 × 40 कितना होगा? तो 6 × 4 = 24 और 2 = 0, यानी कि 2400 रुपया। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर देखिए 54। 54 का 2400 रुपया बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 55। क्वेश्चन नंबर देखिए 55 पूछा गया है, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 19 जनवरी 2019 Shift 2 में 9.5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर 6 साल के लिए निवेश किए गए धन पर अर्जित ब्याज 456 रुपया था। निवेश की गई राशि क्या थी? यहाँ भी आपसे मूलधन पूछ रहा है और साधारण ब्याज 456 रुपया दिया है। यहाँ पर हम लिख देते हैं साधारण ब्याज कितना दिया गया है आपके प्रश्न में? 456 रुपया। तो प्रतिशत में साधारण ब्याज कितना है वो निकाल लीजिए। तो यहाँ पर आपको निकालना होगा कि प्रतिशत में साधारण ब्याज कितना है, यानी कि रेट इंटू टाइम का परसेंटेज आपको करना है। तो प्रश्न में दिया है 9.5% आपका रेट है, यानी कि 9.5% आपका रेट है, और टाइमिंग कितना दिया है? 6 साल, यानी कि 6 वर्ष। तो 6 से आपको गुना करना होगा। ये गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिए, सबसे पहले 6 × 5 = 30 = 0, बाकी 3, फिर 9 × 6 = 54 और 3 कितना हो जाता है? 57.0%। तो इसको हम लिख सकते हैं 57%, यानी कि 57% आपका प्रतिशत में क्या हो गया? साधारण ब्याज। और एक्चुअल में कितना दिया है? 456 रुपया। दैट मीन्स कहने का मतलब 57% का वैल्यू कितना दिया गया है? तो 456 रुपया। तो सबसे पहले 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना होगा? 456/57। आपसे मूलधन पूछा है, यानी कि मूलधन कहने का मतलब 100% का वैल्यू पूछा है, तो क्या हो जाएगा? 456/57 × 100। इसका सॉल्यूशन करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अगर जो हम शॉर्टकट भी बनाना चाहे तो मात्र इतना लिखते, मूलधन निकालना है तो क्या करते? 456 प्रश्न में दिया है साधारण ब्याज, और 9.5% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो रहा है? 57%। तो 456 का तुलना 57 से हमने किया,
और मूलधन निकालना है तो मूलधन अपने आप में 100% होती है, तो सौ से हमें गुना करना होगा। ये आपका शॉर्ट प्रोसेस हुआ। तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में इसी का यूज करना है, जो टाइप वन में हमने सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से कराए हैं, लेकिन व्यूज बहुत कम आता है इसलिए हम थोड़ा बेसिक भी लेकर चल रहे हैं टाइप टू से। तो टाइप टू का हर एक क्वेश्चन देखिए हमने डिटेल से बताया है, ये नहीं कि डायरेक्ट हमने शॉर्टकट बना दिया है, टाइप वन का सारे क्वेश्चन हमने शॉर्टकट ही बताया है, लेकिन टाइप टू का हर एक क्वेश्चन को हमने थोड़ा डिटेल करके बताया है कि ये किस प्रकार से आता है। तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्ट ऐसे ही करना है जैसे टाइप वन में हमने बताया है। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, तो 57 है जो 3 से कैंसिल हो जाता है, और यहां पर देखिए 6, 5, 11 और 4, 15 ये भी 3 से कैंसिल हो जाएगा, और 57 19 से भी कैंसिल होता है, तो 19 से पहले देखते हैं ये कैंसिल होता है या नहीं। तो 19 × 2 = 38 और 45 में से 38 घटाएंगे तो 7, 7 × 6 = 76, 19 × 76 19 से कैंसिल हो जाता है, तो 19 से कैंसिल करते हैं 19 × 57 और ये 19 × 2 = 38 फिर 7 × 6 = 19 × 76 और 3 × 8 = 24 8 × 100 यानी कि कितना हो गया 800। 800 रुपया कौन सा ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 800 रुपया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 56, क्वेश्चन नंबर देखिए 56 पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 6 दिसंबर 2018 शिफ्ट 2 में एक राशि समान साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 457 रुपया और 10 वर्षों में 574 रुपया हो जाती है, राशि का मान रुपया में ज्ञात कीजिए। राशि का मान डेट मीन्स कहने का मतलब मूलधन आपसे पूछ रहा है। आप जानते हैं कि ये प्रश्न में दिया गया है 457 रुपया हो जाता है, 5 वर्षों में 457 रुपया हो जाता है और 10 वर्ष में 574 रुपया हो जाता है, यानी कि हो जाना का मतलब क्या होता है मिश्रधन। तो ये 457 रुपया है जो मिश्रधन है और 574 रुपया है ये भी मिश्रधन है। मिश्रधन बराबर क्या होता है यानी कि अमाउंट बराबर क्या होता है, तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो यहां पर देखिए मूलधन प्लस ब्याज प्रश्न में दिया है 5 वर्षों के लिए, तो 5 वर्ष का ब्याज यानी कि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन प्लस 5 वर्ष का ब्याज, तो ये आपका मिश्रधन हो गया। तो मिश्रधन कितना दिया है आपके प्रश्न में 457 रुपया, ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। फिर आगे देखिए प्रश्न में लिखा है 10 वर्षों में 574 रुपया हो जाता है, तो मूलधन प्लस 10 वर्ष का साधारण ब्याज ये कितना हो जाता है मूलधन प्लस ब्याज, तो मिश्रधन हो गया। मिश्रधन कितना हो रहा है ये आपको दिया गया है 574 रुपया हो जाती है, तो यहां पर हमने लिखा 574, ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। अब इसको सोल्व करना है तो हम इक्वेशन वन से इक्वेशन टू को घटा देते हैं, यहां पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहां पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 5SI में से 10SI घटा देंगे तो माइनस में 5SI होगा। उसके बाद यहां पर देखिए 457 में से 574 घटाना है, मतलब उल्टा हमें घटाना है, चिन्ह बड़ा वाला का होगा, और 14 में से 7 जाएगा तो 7 होगा, यहां पर 6 में से 5 जाएगा तो कितना 1 होगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 होगा। अब इसके बाद यहां पर देखिए SI आपका कितना हो गया, तो ये माइनस से माइनस पहले कैंसिल कर दीजिए, यानी कि 5SI का मान 117 हो गया, 5SI का मान कितना हो गया 117। यहां पर देखिए आपसे मूलधन प्रश्न में पूछ रहा है, तो ध्यान से देखिए इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिखा गया है, मूलधन प्लस 5 वर्ष का, मूलधन प्लस 5 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर 457 रुपया है, और 5 वर्ष का साधारण ब्याज यानी कि 5SI का मान कितना है 117, तो हम यहां पर 117 रख सकते हैं, यानी कि मूलधन प्लस 117 बराबर 457, दैट मींस मूलधन बराबर क्या हो जाएगा 457 माइनस 117। अब घटा लीजिए तो 7 में से 7 जाएगा तो 0 हो जाएगा, और यहां पर 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि 340 रुपया आपका हो गया मूलधन। कौन सा ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 57, क्वेश्चन नंबर देखिए 57 पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2018 शिफ्ट 2 में एक निश्चित धनराशि पर 12% की वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज, उसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 7/2 वर्ष में प्राप्त होने वाले साधारण ब्याज से 50 रुपया कम है, धनराशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है साधारण ब्याज का अंतर कितना 50 रुपया, और आपको प्रतिशत में साधारण ब्याज का अंतर निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 12% की दर से 5/2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, डेट मीन्स कहने का मतलब 12 × 5/2 ये आपका हो गया प्रतिशत में साधारण ब्याज, 12% की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज। अब देखिए लिखा है 10% की दर से 7/2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो 10 × 7/2
यानी कि 10% की दर से 3.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हुआ प्रतिशत में, इतना हुआ। अब इसको सोल्व करते हैं तो 2 × 6 = 12 और 6 × 5 = 30% आपका हो गया यहाँ पर साधारण ब्याज। और यहाँ पर देखिए 2 × 5 = 10 और 5 × 7 = 35, ये आपका 35% हो गया। तो ये दोनों का अंतर कितना का है, तो 5% का। और प्रश्न में अंतर कितना दिया है, प्रश्न में दिया है अंतर 50 रुपया है। तो यहाँ पर 5% का वैल्यू 50 रुपया, तो 1% का वैल्यू निकाल लीजिए कितना होगा, तो 50/5, डेट मीन्स कहने का मतलब 10 रुपया। मूलधन पूछा है तो मूलधन का मतलब होता है 100% का वैल्यू निकालना है, तो 1% का 10 रुपया, तो 100% का 100 × 10, डेट मीन्स कहने का मतलब 1000 रुपया। ये कौन सा ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 57 का देखिए, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1000। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 58, क्वेश्चन नंबर देखिए 58 पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी 3/10/2018 शिफ्ट थर्ड में 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6.3/4 वर्षों में 924 रुपया हो जाती है, आरंभ में कितनी राशि जमा की गई थी, यानी कि मूलधन आपसे पूछ रहा है और यहाँ पर दिया है कि 924 रुपया हो जाती है। तो हो जाना का अर्थ मिश्रधन से होता है, 924 रुपया मिश्रधन दिया है और यहाँ पर आपको मिश्रधन परसेंटेज में कितना है जो निकालना है। पहले लिख देते हैं मिश्रधन कितना दिया है प्रश्न में, तो 924 रुपया, और परसेंटेज में मिश्रधन कितना है जो आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए कि प्रतिशत में कितना है, तो प्रश्न में दिया है 8% की दर से 6.3/4 वर्षों में, यानी कि 8 × और 6.3/4 मतलब 6 × 24 27/4, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8 और 27 × 2 = 54, डेट मीन्स कहने का मतलब 54% आपका क्या हो गया साधारण ब्याज 8% की दर से 6.3/4 वर्ष में। अब देखिए अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट का मतलब होता है कि मूलधन प्लस साधारण ब्याज, मूलधन अपने आप में 100% होती है और साधारण ब्याज यहाँ पर कितना है 54%, यानी कि कितना हो गया 154% आपका हो गया अमाउंट यानी कि मिश्रधन। प्रश्न में दिया है 924 रुपये मिश्रधन, यानी कि 154% का वैल्यू दिया गया है, कितना 924 रुपया। तो यहाँ पर 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ पर क्लियरली देखिए कि ये इसका 6 × है मतलब 6 × 24 = 4, बाकी 2 × 15 = 90 और 2 × 92, यानी कि 924 में आप 154 से भाग दीजिएगा तो 6 बार में पूरा पूरी भाग लग जाएगा, 1% का वैल्यू कितना हो गया 6 रुपया। तो आपसे मूलधन पूछा है, डेट मीन्स कहने का मतलब 100% का वैल्यू, तो 6 × 100 यानी कि कितना हो गया 600 रुपया। कौन सा ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 59, क्वेश्चन नंबर देखिए 59 पूछा गया है, आरआरबी ग्रुप डी 3/12/2018 शिफ्ट टू में किसी धनराशि पर 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के ब्याज और इसी धनराशि पर 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के ब्याज का अंतर 412.50 रुपया है, धनराशि क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके प्रश्न में साधारण ब्याज का अंतर दिया है 412.50, तो परसेंटेज में साधारण ब्याज का अंतर आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो देखिए 12% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 12 × 4, डेट मीन्स कहने का मतलब हम लिख सकते हैं कितना हो गया 48%। और आगे लिखा है 9% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, यानी कि 9 × 5, डेट मीन्स कहने का मतलब 45%। तो ये दोनों का अंतर कितना का है, 48% और 45% का अंतर हुआ 3% का, तो 3% का वैल्यू आपके प्रश्न में दिया है 412.50। तो सबसे पहले 1% का वैल्यू निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, तो 412.50/3, मूलधन निकालना है यानी कि 100% का वैल्यू आपको निकालना है, तो कितना हो जाएगा 412.50/3 × 100। अब सोल्व करते हैं तो डेसिमल हटावेंगे तो नीचे बटा 100 होगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 3 से इसको कैंसिल करते हैं, तो देखिए 3 × 1 = 3, फिर 1 और 1, 3 × 3 = 9, फिर 2 और 2 = 3, 21, फिर 1 और 5, 3 × 5 = 15 और ये 0, डेट मीन्स कहने का मतलब कितना हो गया 13,750 रुपया। कौन सा ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन नंबर देखिए 59 का, 13,000 कितना है 750 रुपया, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर